हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के ब्यूटी बेनिफिट्स के बारे में। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एलोवेरा हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बहुत सारे ब्यूटी बेनिफिट्स। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू। गाइज, अगर बात करें हम इसके फर्स्ट बेनिफिट की, तो एलोवेरा जेल को आप अपने किसी भी फेस सीरम, फेस मास्क, हेयर मास्क या फिर फेस क्रीम के साथ मिक्स कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो भी फेस क्रीम होगा, फेस सीरम होगा, हेयर मास्क होगा, फेस मास्क होगा, जो भी चीज़ होगी उसका बेनिफिट्स दुगना बढ़ जाएगा, ठीक है, एलोवेरा जेल मिलाने से। नेक्स्ट, अगर इसकी बेनिफिट की बात करूँ तो अगर आप कॉफ़ी में एलोवेरा जेल मिला लेते हो, एक चम्मच कॉफ़ी में एक चम्मच एलोवेरा जेल आपको मिला लेना है, इसे आप एज अ स्क्रब भी अपने फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हो। थर्ड, अगर बेनिफिट की बात करूँ तो आप इसे अपने एक्ने के ऊपर लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके एक्ने रिड्यूस होंगे, प्लस अगर आपके एक्ने मार्क्स हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा पुराने मार्क्स हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है कि शायद वो पूरी तरीके से गायब ना हो, बट वो काफ़ी हद तक आपके रिड्यूस हो सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो जो भी मेंस शेविंग करते हैं ना, तो उनके कहीं पे अगर कट गया है आपका, तो आप एलोवेरा जेल लगा के वहाँ पे इसको ठंडक पहुँचा सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपका नहीं कटा है कहीं पे भी शेविंग करने के बाद, तो शेविंग करने के बाद आप इसे अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लो। इससे क्या होगा, आपकी जो फेस है, फेस आपका रफ नहीं लगेगा, ठीक है, आपका फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगा। इसलिए एलोवेरा जेल आफ्टर शेविंग आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट की बात करूं तो आप इसे अपने बेबी हेयर आपके निकले होते हैं ना यहाँ पे से, वो इस तरीके से उड़ रहे होते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप एलोवेरा जेल थोड़ा सा लेके हाथ में उसे यहाँ पे चिपका सकते हो। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके बाल ग्रीजी भी नहीं लगते और आपके बाल अच्छे से चिपक भी जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो आप इसे किसी भी अपने शैम्पू कंडीशनर में मिक्स कर सकते हो, उसका बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्लस आप इसे अपने ऑयल में भी, हेयर ऑयल जब आप करोगे, मसाजिंग करोगे, तो हेयर ऑयल में भी आप इसे मिक्स कर सकते हो, ये उसका बेनिफिट भी दुगना बढ़ा देगा। नेक्स्ट, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो आप अपने एलोवेरा जेल को एज अ लीव इन कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने शैम्पू और कंडीशनर कर लिया, ठीक है, कई बार हम सीरम भी लगा लेते हैं, स्टिल हमारे बाल जो एंड वाले जो हमारे बाल होते हैं ना एंडिंग से, तो वो बहुत ज़्यादा रफ फील होते हैं। लेकिन आपको क्या कर लेना है, इसे आप लीव इन कंडीशनर, यानी कि आपको उसे उसके बाद धोने की ज़रूरत नहीं अपने बालों को। शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, सीरम लगा लिया, उसके बाद आप यहाँ पे बालों की लेंथ में एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। चाहे तो आप स्कैल्प में भी लगा सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ से नीचे से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उस लेंथ में एलोवेरा जेल लगा के उन्हें स्मूथ कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूँ तो आपने सुना होगा कि ये सनबर्न के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, सन टैनिंग में नहीं, सिर्फ सनबर्न में। यानी कि आपकी सन टैनिंग इससे रिमूव नहीं होगी, लेकिन अगर आप कहीं धूप से आ रहे हो और आपके फेस में जलन मच रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे लगा सकते हो और अपने फेस में ठंडक पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो आपकी आई लैशेज और आईब्रो में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इससे आपके जो आईब्रो है और आई लैशेज है वो बढ़ेंगे नहीं, इससे क्या होगा, सिर्फ सेट होगी, आपकी आईब्रो सेट हो जाएगी और आपकी जो आई लैशेज हैं वो, जैसे हम मस्कारा लगाते हैं ना अपनी आई लैशेज बड़ा दिखाने के लिए, आँख बड़ा दिखाने के लिए, तो ऐसे ही आप इसे लगा सकते हो, ठीक है, अपनी आई लैशेज को बड़ा दिखाने के लिए। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बेनिफिट की बात करूँ तो आप इसे एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हो। मेकअप करने से पहले ही आपकी स्किन को स्मूथ कर देगा, तो अगर आपको ज़्यादा महंगे प्राइमर्स में खर्च नहीं करना है, क्योंकि प्राइमर तो मेकअप करने से पहले इंपॉर्टेंट होता ही है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप प्लांट वाला भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं बेनिफिट की इसकी बात करूं तो आप इसे एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो पिंपल तो आपके इससे होते नहीं है, पिंपल सही ही होते हैं इससे, तो आप एज अ मेकअप रिमूवर भी इसे यूज़ करते हो। अब ये तो हो गई इसके ब्यूटी बेनिफिट्स की बात। अब हम बात करते हैं कि क्या हम एलोवेरा सिर्फ हमें किसी चीज़ के अंदर मिला के ही हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, या डायरेक्टली भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे डायरेक्टली भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको यहाँ तक करके भी दिखाई देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा एक्ने हो रखा है, तो जैसे मैंने इसके ऊपर लगा लिया। सो गाइस, देख सकते हो आप, मैंने इसे डायरेक्टली लगा लिया, तो इसका कुछ कोई वो नहीं है यार, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
आपकी स्किन अच्छी ही होगी, खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है और ये बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। सो इसकी प्राइस है 60 ml का और इसकी प्राइस है 50-60 rupees ही इसकी प्राइस थी, इससे ज्यादा नहीं थी इसकी प्राइस। अभी तो मुझे मिल नहीं रहेगा इसकी प्राइस लिखी हुई, बट आपको क्या करना है, अगर आप जब भी इसे एज अ प्राइमर यूज़ करोगे ना, तो आपको ये लगाना है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई होने रख देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ड्राई होने में, थोड़ी देर के आपको इसे ड्राई होने के लिए रखना है और उसके बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये थे एलोवेरा जेल के ब्यूटी बेनिफिट्स। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।